हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करेंगे दोस्तों अपने रेडमी के मोबाइल में दोस्तों कैसे दोस्तों हम लॉक स्क्रीन पे पासवर्ड लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अपने मोबाइल में लॉक स्क्रीन पे पासवर्ड लगाना चाहते हो, लॉक स्क्रीन पासवर्ड सेटिंग को यूज़ करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस नई वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों लॉक स्क्रीन पे पासवर्ड को हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, दोस्तों उसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में या आपके रेडमी वाले मोबाइल में आपको पासवर्ड या सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा आपके दूसरे फ़ोन में, और रेडमी वाले फ़ोन में आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी दोनों ही ऑप्शन आ रहे होंगे। तो आपको बस इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको स्क्रीन लॉक पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको दोस्तों पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आप जो भी पासवर्ड यूज़ करना चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हो। दोस्तों, अभी एग्जांपल के लिए मैं पैटर्न लॉक को यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे दिखाता है रिमेंबर योर पासवर्ड, मतलब आपको अपना पासवर्ड याद रखना है लॉक स्क्रीन का, जो भी पासवर्ड आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप भूल जाते हो तो आपको इरेज ओल्ड डाटा करना पड़ेगा, मतलब फैक्ट्री रिसेट आपको अपने मोबाइल का करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी के लिए मैं एक पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पैटर्न लॉक स्क्रीन के लिए। दोस्तों, जो भी पैटर्न आप ड्रॉ करोगे, जो भी पासवर्ड आप यूज़ करोगे उसको याद रखना है। कंफर्म पे क्लिक करते ही आपको थोड़ा सा वेट करना है, तो यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलता है। तो अपने मोबाइल में अगर फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हो, ऐड पे क्लिक करके फिंगरप्रिंट को भी ऐड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों, हम स्क्रीन को लॉक कर देते हैं, ठीक है। स्क्रीन को लॉक करने के बाद फ़ोन को अनलॉक करने, दोस्तों आप देख सकते हो अगर मैं स्वाइप करूँगा तो यहाँ पर पैटर्न लॉक आ रहा है, पहले पैटर्न लॉक नहीं था। दोस्तों, लॉक स्क्रीन पर पैटर्न पासवर्ड आ जाएगा, जो भी पासवर्ड आप यूज़ करोगे वो पासवर्ड आपके लॉक स्क्रीन पर आ जाएगा। अब दोस्तों, फिर से सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों एक बार फिर से पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेटिंग पे क्लिक करेंगे और स्क्रीन लॉक पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, और या तो आप अपना पासवर्ड एंटर करोगे तो फिर आप यूज़ कर सकते हो अपने स्क्रीन लॉक सेटिंग को। दोस्तों, अगर आप पैटर्न की जगह पिन पासवर्ड या नेम पासवर्ड, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड लगाना चाहते हो, लेटर पासवर्ड, तो यहाँ से लगा सकते हो। दोस्तों, अपने पैटर्न को आप डिसेबल कर सकते हो ऑफ करने के, जब आप पैटर्न को ड्रॉ करोगे आपका पैटर्न शो नहीं होता है। और दोस्तों, जो लास्ट ऑप्शन है टर्न ऑफ स्क्रीन लॉक, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे, और दोस्तों अगर आप फेस लॉक और फिंगरप्रिंट वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हो अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में, अगर आप अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड ऑफ करते हो तो जो वो पासवर्ड है वो भी हट जाएगा, और जो भी आपके फ़ोन में फेस लॉक डाटा ऐड है या फिंगरप्रिंट है वो भी हट जाएंगे आपके मोबाइल में, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन लॉक पर कोई भी पासवर्ड नहीं है मेरे, मैं पहले की तरह अपने फ़ोन को यूज़ कर सकता हूँ, स्वाइप करके मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों, आपके पास कोई डाउट हो पासवर्ड सेटिंग को लेके या लॉक स्क्रीन पासवर्ड सेटिंग को लेके आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।